तो दोस्तों एक्टर नासिरुद्दीन शाह का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान तक पहुंच चुका है। आजकल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैशन हो चुका है। फिल्मों के जरिए से सरकार बहुत ही चालाकी से इसको फैला रही है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नासिरुद्दीन शाह ने अपने बयानों से पूरी तरीके से हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने फिल्म द कैलाश स्टोरी को प्रोपोगंडा बताया है। उनके नजरों में ये फिल्म प्रोपोगंडा ही है। एक्टर नासिरुद्दीन शाह हमेशा अपनी विवादों से भरी हुई बयानों के वजह से ही जाने जाते हैं। इससे पहले आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी उनका कुछ यही मानना था। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के दिए एक इंटरव्यू में नासिरुद्दीन शाह ने कहा है, ऐसे ऐसे कंटेंट पेश किया जा रहा है जो पूरी तरीके से विशुद्ध और खुला प्रोपोगंडा है, जो कि समय के बारे में बहुत कुछ बताता है। और साथ ही आजकल मुसलमानों से नफरत करना एक फैशन बन गया है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के बीच भी ये घुस चुका है। ये चीजें सत्ताधारी पार्टियों ने देश के युवाओं के नसों में घुसा दिया है। हम सेकुलरिज्म और लोकतंत्र की बात करते हैं, हर चीज के पीछे धर्म घुसाने की क्या जरूरत है? और चुनाव आयोग चुपचाप ये सब देख रहे हैं। और साथ ही नासिरुद्दीन शाह ने यह दावा किया है कि अगर कोई मुसलमान अल्लाहू अकबर कह के वोट मांगेगा तो बवाली हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मुसलमान ईवीएम का बटन अल्लाहू अकबर कह के दबाएगा तो उस समय भी बवाली मच जाएगा। नासिरुद्दीन शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विभाजन करण राजनीति का भी हार होगा, लेकिन फिलहाल तो ये शिखर पर है। कई सालों से नासिरुद्दीन शाह जो है इस तरीके की विचारों को लेकर जो है बहुत ज्यादा विवादों में रहे हैं। और साथ ही सोशल मीडिया में नासिरुद्दीन शाह को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने नासिरुद्दीन शाह को फिल्म द कैलाश स्टोरी को लेकर जवाब देते हुए कहा कि आप इस फिल्म को एक फिल्म की तरह भी ले सकते हो या फिर इसे प्रोपोगंडा की तरह भी ले सकते हैं, ये आपकी नजरिए पर डिपेंड करता है।